क्या आदि पुरुष एक ट्रिलॉजी फ्रेंचाइज के रूप में बनने वाली है? क्या आदि पुरुष रामायण ट्रिलॉजी का पहला पार्ट होगी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में कोई भी अपडेट डालें तो आप उसे सबसे पहले जान पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आदि पुरुष 2022 की सबसे मच अवेटेड फिल्म्स है, जिसकी कहानी हिंदुस्तानी सभ्यता और कल्चर के लोकप्रिय ग्रंथ रामायण के ऊपर आधारित होने वाली है। फिल्म की कहानी, सेटिंग, बजट कुछ भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है और फिल्म के सारे डिटेल्स पब्लिक के लिए एक राज है, सिवाय इस बात के कि इस फिल्म में भगवान राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण और रावण के किरदार मौजूद होंगे। फिल्म में हनुमान, राम जी के अन्य भाई भरत और शत्रुघ्न, वानर सेना और सुग्रीव, अंगद, जामवंत के किरदारों के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है, जिसका मतलब है कि फिल्म में इनका पार्ट ज्यादा नहीं होगा या फिर इनके पार्ट्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। अभी फिल्म होने वाली है ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे की। पूरे रामायण को सिर्फ 3 घंटे में दिखाना असंभव है। अगर फिल्म के सिर्फ मेन पार्ट्स दिखाए गए तो उसके नरेशन में भी कमी रह जाएगी, कई सारे डिटेल्स भी जरूर छूट जाएंगे। अगर सीता हरण का इंसिडेंट दिखाया जाएगा तो उसका कारण है शूर्पनखा का नाक लक्ष्मण के द्वारा काटना। अभी लक्ष्मण के इस एक्शन के पीछे उनका उनके भाई के साथ रिश्ता अच्छे से दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए उनके लगाव को जस्टिफाई करने के लिए अयोध्या के शाही भवन को त्याग करने का एपिसोड भी दिखाना पड़ेगा। इसके लिए फिर दोनों इंसिडेंट्स दिखाने पड़ेंगे। पहला, वर्षों पहले दशरथ के द्वारा रानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों की अनुमति, और दूसरा, राम और सीता का विवाह। और अभी तक राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों की कास्टिंग की कोई खबर नहीं मिली है, जबकि पिछली बार तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए पृथ्वीराज चौहान के रोल के लिए एक्टर का नाम अनाउंस कर दिया गया था, जबकि उनका भी फिल्म में मेन रोल नहीं था। और ये सब सिर्फ सीता हरण तक का है। फिर रावण के दूतों का राम और लक्ष्मण पर लगातार प्रहार, इंद्रजीत, कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं का सर्वनाश, रावण पर प्रहार जैसी घटनाएं भी हैं। और रावण और राम के बीच का युद्ध बहुत इलेबोरेट होना चाहिए। 10 मस्तकों का आना, फिर नाभि पर निशाना करके तीर चलाना जैसे इवेंट्स एक बहुत लंबा सीन डिमांड करते हैं। इसलिए फिल्म को एक ट्रिलॉजी में कन्वर्ट करना बहुत अच्छा निर्णय हो सकता है। एक पार्ट में ही रामायण का एक एक छोटे छोटा हिस्सा दिखाना, उसके बाद में एक किरदार की कहानी दिखाया जाना ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत साबित होगा। उदाहरण स्वरूप, पहले पार्ट आदि पुरुष में भगवान राम के नेत्र से कहानी दिखाई जाए, इसमें भगवान राम का जन्म, फिर उनके बालावस्था की कहानियां जैसे कि भगवान शिव का अयोध्या आना इत्यादि, मरीच और ताड़का का वध, सीता के साथ विवाह, परिवार के लिए संघर्ष और त्याग, फिर पत्नी की तलाश में जंगलों में भटकते जैसी घटनाओं को दिखाना काफी आवश्यक है। दूसरे पार्ट में सीता की कहानी और तीसरे में रावण की कहानी, और ऐसे में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान जैसे एक्टर्स को अपनी सही जगह मिल सकती है। क्या आप गेस कर पाए हैं कि कौन सी किताब पर बेस्ड हो सकती है ये ट्रिलॉजी अगर बनी तो? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है साई श्रेष्ठ।